गाइस वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम डिस्कस करेंगे ओनली फ्रेंड्स बी एल्डर सीरीज के स्पॉइलर 8 के प्रीव्यू एंड प्रिडिक्शन के बारे में जो कि नेक्स्ट फ्राइडे को आने वाला है। तो पिछले एपिसोड के मुताबिक सभी का रिश्ता बिखर चुका था। टॉप और तन की धोखे की वजह से म्यू तो इतना चेंज हो चुका था कि उसने रे से प्यार करने का डिसीजन ले लिया था और रे भी तो इसी मौके के तलाश में था कि कब म्यू उसको एक्सेप्ट करेगा। और रे को म्यू के साथ इतना क्लोज देखकर सैंड को बहुत ही बुरा लगता है और उसे लगता है कि अब उसको रे से दूर रहना चाहिए ताकि वो अपने दिल को और हार्ट न कर ले। तो रे जब सैंड को भी बार पर देखता है जहाँ पर वो म्यू को लेकर गया था तो वहाँ पर रे सैंड से पूछता है क्या तुम और मैं दोस्त नहीं बन सकते। रे के क्वेश्चन के आंसर पर सैंड थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहता है मुझे लगता है तुम और मैं शुरुआत में ही कभी दोस्त नहीं थे। तुमने जो इतने दिनों से मेरे साथ किया वही तुम कुछ दिनों बाद म्यू के साथ करने वाले हो। अब सैंड की बात सुनकर रे को इस पर क्या रिएक्शन होगा इस बात का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर मेरे ख्याल से रे सैंड से कहेगा कि वो म्यू से प्यार करता है। पर आखिर में सैंड की बात ही सही होता है क्योंकि रे म्यू को अपनी तरह शराब और ड्रग्स की आदत लगाने की कोशिश करता है जिसलिए वो म्यू को हर रात अपने साथ बार पर लेकर जाता है। और ये बात जब टॉप को पता चलता है तो वो म्यू को समझाने की कोशिश करता है ये कहकर कि अगर रे तुमसे सच में प्यार करता तो वो तुम्हें कभी भी बुरी चीजों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाता जैसा वो अब कर रहा है। म्यू को टॉप की बात कुछ हद तक सही तो लगता है पर जैसे कि वो अभी भी टॉप के दिए गए धोखे को भूल नहीं पाया था और ऊपर से रे ने जो उसका ब्रेन वॉश किया था इन सभी चीजों की वजह से वो टॉप की बातों पे विश्वास नहीं करता और फिर से टॉप को अपने आप से दूर कर देता है और रे के पास वापस चला जाता है। और टॉप भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। इधर नीक बॉस्टन से माफी मांगने जाता है और बॉस्टन से कहता है कि वो उसकी माफी पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, पर बॉस्टन का फेस देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसको नीक की बातों पे कोई भी इंटरेस्ट है। और फिर यहाँ पर हम नीक के साथ एक और लड़के को देखते हैं जो कि उससे कह रहा है कि अब वे डेटिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो शायद यहाँ पर नीक बॉस्टन को छोड़कर किसी और को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है और ऐसा सैंड भी करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि हम ट्रेलर में एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर सैंड किसी और को किस करने की कोशिश कर रहा है, पर रे वहाँ पर आकर उनको रोक देता है और सैंड से पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो। तो सैंड कहता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है, मैं जो भी करूँ तुम तो मेरे लिए कुछ फील नहीं करते, तो मैं किसी के साथ भी रहूँ तुम्हें उससे क्या। सैंड की बात सुनकर रे को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है मैं जितने लोगों के लिए चाहूँ उतने लोगों के लिए फीलिंग्स रख सकता हूँ, समझ में आया तुम्हें। तो सैंड कहता है मैं तुम्हारा रिबाउंड नहीं हूँ, तुम यहाँ पर बहुत ही ड्रिंक कर लिया था और शायद नशीली चीज भी लिया होगा जिसको रे ने उसे दिया था। पर टॉप म्यू को यहाँ से अपने घर लेकर जाता है क्योंकि इन सब नशीली चीजों की वजह से म्यू की हालत खराब हो चुका था जैसे कि उसे इन सब चीजों की आदत नहीं था। तो टॉप म्यू को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। पर इधर पार्टी में पुलिस आ जाता है क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिला था कि पार्टी पे नशीली चीजें हैं और इसका भी वजह रे ही है, तो शायद इस बार भी यहाँ से सैंड रे को बचा लेता है क्योंकि रे तभी बहुत ही ज्यादा नशा कर लिया था जिस वजह से उसने अपना होश खो दिया था। फिर इसके बाद सैंड और रे का एक बहुत ही बड़ा आर्गुमेंट सीन हमें दिख सकता है जिसके बाद शायद सैंड रे को छोड़कर चला जाएगा, पर ये सीन इस एपिसोड में शायद नहीं होगा। ओके गाइस आज के प्रीव्यू और प्रिडिक्शन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नॉटी बेबी सीरीज के प्रीव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।